सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सभी? आई होप सब मेरे भाई मस्त हो गाइस। आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बर्थडे स्पेशल फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर हमारा फोटो देख सकते हो, कितना देखने में अमेजिंग एंड यूनिक सा लग रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं सेम टू सेम अपने बर्थडे पर इस तरह का फोटो एडिट करना सीखना, तो इस वाले वीडियो को आज बिना स्किप के लास्ट जब से वॉच कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आप लोग का हमारा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा। तो फिर चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग अपने पिक्सार एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लीजिएगा। और फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग क्या कीजिएगा, टूल के ऑप्शन पर आप लोग यहां पर क्लिक कर लीजिएगा और रिसाइज टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड के मैक्सिमम साइज के अंदर रिसाइज कर लीजिएगा यहां पर इस तरह से, ताकि हम लोग जब भी अपने फोटो को एडिट करें हमारे फोटो क्वालिटी यहां पर लॉस न हो पाए। और सिंपली यहां से इसको आप लोग इस तरह से डन कर लीजिएगा। और इस वाले वीडियो में जितना भी स्टॉक वगैरह का यूज करूंगा सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐड फोटो के ऑप्शन पे यहां पर एक बार हम लोग टैप करते हैं इस वाला ऑप्शन पर, और यहां से हम लोग क्या करते हैं एक बर्थडे वाले टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। तो इस वाले हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट पीएनजी को हम लोग यहां पर ऐड कर लिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरह जूम करके इसको हम लोग फुल बैकग्राउंड पर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। और अब यहाँ से इसको हम लोग सिंपली से राइट क्लिक कर देंगे। अब अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन में यहाँ पर एक बार टैप करेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक बर्थडे टेबल पीएनजी को ऐड कर लेते हैं गाइज। तो इस वाले टेबल पीएनजी को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लिए, और इसको भी क्या करते हैं कुछ इस तरह जूम करके फुल बैकग्राउंड पर इस तरह से इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको डन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अपने फोटो के कटआउट को यहाँ पर सिंपली से ऐड कर लेते हैं। और गाइज, वन क्लिक के अंदर अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप लोग फोटो रूम एप्लीकेशन का यूज कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरह से अपने फोटो को जूम करके यहां से इस तरह से इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और यहां पर आपको एक लेयर नाम का ऑप्शन मिलेगा जो कि लेफ्ट साइड में होगा, इस पर आप लोग एक बार क्लिक करके तो आपको यहां पर एक मूव डाउन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो आपका फोटो यहां पर इस पर टेबल पीएनजी के पीछे यहां पर चल जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहां पर। इसको हम लोग क्या करते हैं जूम आउट वगैरह करके अपने तरीके से यहां पर इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और अब यहां से सिंपली इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। अब अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहां से हम लोग क्या करते हैं गिफ्ट एंड बैलून के पीएनजी को हम लोग यहां पर ऐड कर लेते हैं। तो गाइज, आप लोग क्या कीजिएगा इस वाले पीएनजी को यहां पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, और इसको भी आप लोग कुछ इस तरह जूम करके इसको आप लोग अपने बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, और सिंपली यहां से इसको आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा। फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा, और यहां से आप लोग क्या कीजिएगा एक और पीएनजी को आप लोग यहां पर ऐड कर लीजिएगा। तो गाइज, इस पर आप लोग क्या कीजिएगा इस वाला स्टार बैलून पीएनजी को आप लोग यहां पर ऐड कर लीजिएगा, और इसको भी आप लोग कुछ इस तरह जूम करके आप लोग इस तरह से यहां पर इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। और अभी यहां से आप लोग इसको डन कर लीजिएगा। अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और यहां से आप लोग क्या कीजिएगा एक बैलून के पीएनजी को ऐड कर लीजिएगा। तो इस वाले बैलून पीएनजी को आप लोग यहां पर ऐड कर लीजिएगा, और इसको भी आप लोग कुछ इस तरह जूम करके नीचे की साइड यहां पर इस तरह से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप लोग क्या कीजिएगा एक फ्लाइंग बैलून पीएनजी को ऐड कर लीजिएगा। तो इस बार इस वाले पीएनजी को आप लोग यहां पर ऐड करके इसको आप लोग इस तरह जूम करके इस वाले बैलून के ऊपर अच्छे तरीके से यहां पर एडजस्ट कर लेते हैं। और अब यहां से इसको सिंपली से हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहां से हम लोग क्या करते हैं एक केक वाले पीएनजी को ऐड करते हैं। तो आप लोग यहां पर इस वाले पीएनजी को यहां पर ऐड कर दिया, जो कि मैंने तीन पीएनजी को साथ में एडजस्ट कर दिया, जो कि देख ही सकते हो आप लोग। इसको आप लोग कुछ इस तरह जूम करके इसको आप लोग यहां पर इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। और अब यहां से आप लोग इसको डन कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आप लोग अपने फेस में तिलक पीएनजी को ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके यहां से आप लोग क्या कीजिएगा एक तिलक की पीएनजी को आप लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस वाले तिलक की पीएनजी को यहां पर ऐड कर लिया, और इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरह जूम करके अपने उंगली से हल्का सा इसको इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, और इसको जूम आउट वगैरह करके अपने फेस के ऊपर कुछ इस तरह से इसको हम लोग एडजस्ट यहां पर कर लेते हैं इस तरह से। और गाइज, अब यहां से इसको सिंपली से हम लोग डन कर लेते हैं। तो गाइज, हमारा पिक्सार्ट के अंदर जितना भी वर्क था सिंपली यहां पर कंप्लीट हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहां पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं अपने फोटो में कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं एंड अपने फेस को एचडी में स्मूथ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ टूल के आइकॉन पर एक बार क्लिक करते हैं इस वाला ऑप्शन पर, और यहां से हम लोग क्या करते हैं थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो गैलरी के अंदर सेव करेंगे, और इस वाला फोटो को हम लोग लाइट रूम ऐप के अंदर ओपन कर लेते हैं।
तो आप लोग जैसे ही लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से लाइट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके इसके एक्सपोजर को आप लोग हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिएगा और इसकी कॉन्ट्रास्ट को आप लोग हल्का सा डिक्रीज कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर हाईलाइट को भी इंक्रीज कर लीजिएगा इस तरह से। और सिंपली आप लोग कलर के आइकॉन पर क्लिक करके इसके वाइब्रेंस को आप लोग यहाँ पर इस तरह से हल्का सा इंक्रीज कर लीजिएगा और मिक्सचर के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ऑरेंज के आइकॉन पर क्लिक करके इसके सैचुरेशन को हल्का सा डिक्रीज कर दीजिएगा और इसके लुमिनस को हल्का सा इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि आपके फेस में लाइटिंग आ जाए यहाँ पर। और अगर आप लोग का यह कलर पसंद नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाला आइकॉन पर आप लोग एक बार क्लिक करिएगा जो कि सियान कलर नाम से होगा और इसके ह्यू को आप लोग यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग को अगर इस कलर में रखना होगा तो आप इस कलर में रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर इस कलर में भी रख सकते हैं जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो फिलहाल मैं इस वाले फोटो को यहाँ पर इस वाले कलर में ऐड कर लिया हूँ और सिंपली यहाँ से इसको हम लोग डन कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में हल्का सा विग्नेट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ टेक्सचर को भी यहाँ पर इंक्रीज हम लोग कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो एडिटिंग का वर्क यहाँ पर सिंपली कंप्लीट हो चुका है जो कि देख ही सकते हो आप लोग। तो फोटो को सेव करने के लिए अभी आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस के आइकॉन पर क्लिक करके अपने फोटो को आप लोग गैलरी के अंदर सेव कर लीजिएगा।